क्या आपको कोई लड़की बार बार देखती है, अक्सर देखती है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या अब आपको करना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए? अगर यही चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जब एक लड़की आपको हंस कर मुस्कुरा कर देखती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, अगर कोई लड़की आपको देखती है तो पहले तो उसके देखने की अंदाज को देखिए कि वो किस अंदाज में आपको देख रही है। क्या वो आपको घूरती रहती है, क्या वो आपको गुस्से में देखती है या फिर शर्माकर मुस्कुराकर देखती है। इन चीजों में फर्क है। अगर कोई लड़की आपको घूर रही है, मीन टू से इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी रीजन से देख रही है, पसंद करती है इसलिए नहीं, क्योंकि घूरना एक अलग चीज है। अगर कोई लड़की आपको देखकर गुस्सा होती है, गुस्से में, नाराजगी में देखती है, इट मींस उसके दिल में कुछ नेगेटिव है या उसने कुछ नेगेटिव आपके बारे में सुन लिया है, इस वजह से उसको आपके ऊपर गुस्सा है, वो आपको पसंद नहीं करती और उस गुस्से में आपको देख रही है। बट अगर एक लड़की आपको देखकर मुस्कुराती है, कभी कभी शर्माती है या छुप छुप कर आपको देखती है, तो इसका काफी हद तक मीनिंग ये है कि वो आपको पसंद करती है। बट अगर एक लड़की मुस्कुराकर देखती है तो इसके और भी अदर रीजंस हो सकते हैं। वो कौन कौन से रीजन होते हैं जिनके वजह से एक लड़की आपको देखती है बार बार, उन रीजंस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए। उस वीडियो को देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि लड़की किन किन रीजंस से एक लड़के को देखती है। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो आप समझ गए कि आपको उसके देखने का अंदाज देखना है। अगर वो लड़की गुस्से में, नाराजगी में देखती है, घूरती है, तो समझदारी इसी चीज में है कि आप उस जगह से खिसक जाए, निकल जाए, ज्यादा यू नो उसको देखे ना, उसको उसके सामने ना रहे। बट अगर वो लड़की आपको देखकर मुस्कुराती है, वो आपको यू नो कभी कभी देखकर शर्मा जाती है या छुप छुप कर आपको देखती है, आपसे नजरें बचाकर आपको देखती है, तो इसके काफी हद तक चांसेस ये हैं कि वो लड़की आपको पसंद करती है। अगर इसी तरीके से कोई लड़की आपको पसंद करने लगी है और ऐसे ही आपको देखती है, तो दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि अब आप भी उसको देखना शुरू कर दीजिए। बट ख्याल रखें, देखना है, घूरना नहीं है। ऐसा ना हो आप टकटकी लगाकर उसको देख रहे हैं, उसको घूरे जा रहे हैं, अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। देखने का, जैसे कि मैंने कहा, अपना एक अंदाज होता है, एक अलग अंदाज में उसको देखिए। जब भी वो आपको देखे, उसी टाइम पर उसको देखकर, जब भी आपकी नजरें मिले, उसे देखकर आप मुस्कुरा जाए, एक प्यारी सी स्माइल उसको दे दे। जब कभी भी वो सामने आए तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जानी चाहिए। इससे क्या है, समवेयर आप उसको ये बता रहे हो कि हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। पहले लड़की मुस्कुराकर आपको समझा रही है कि वो आपको पसंद करती है, अब आपको मुस्कुराकर उसको देखना है और ये समझाना है बिना कुछ कहे कि आप भी उसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें बात करने में इंटरेस्टेड हो। So, इससे क्या होगा, लड़की थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी आपके साथ में। कुछ टाइम तक आप ऐसा ही बिहेव कीजिए और जैसे ही एक हफ्ता 15 दिन निकल जाए और आपको लगे कि हाँ, अब आप लोगों का एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तब आपको सेकंड स्टेप लेना है, वो कि आप कोशिश कीजिए उससे बात करने की। डायरेक्टली बात ना करके आप इनडायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, अगर वो आपके आस पड़ोस की लड़की है तो, क्योंकि आस पड़ोस में ऐसा ना हो कोई हंगामा कर दे वो लड़की, डर रहता है यू नो, पड़ोस में कोई दिक्कत होती है या फिर कोचिंग में की लड़की है या फिर स्कूल में आपकी क्लासमेट है, तो डायरेक्टली जाकर हाय हेलो और नंबर एक्सचेंज करना ये सब ना करें। आप किसी काम के लिए उससे बोल सकते हैं, लाइक अगर आपके इंस्टीट्यूट में है, कोचिंग में है, तो एक पेन मांग लीजिए कि यार मेरा पेन खत्म हो गया है। अगर आपके पड़ोस में है तो मम्मी के किसी काम से आप चले जाइए। तो बहुत हल्के फुल्के छोटे मोटे काम के थ्रू आप उससे बात करना शुरू कीजिए और जब आप एक छोटी छोटी सी हेल्प उससे मांगेंगे तो उसके बात करने के अंदाज से आपको ये पता चल जाएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। जब वो आपकी हेल्प करेगी, आपको पेन देगी या आपको किसी भी तरीके से हेल्प करेगी ना,
तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आप देखेंगे, एक शर्म आप देखेंगे, एक गुदगुदे उसके मन में होगी, वो फील आप कर पाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है बात करने में। ये हिंट लगते ही कि हाँ वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देती है आपके बात का, तब आप कभी भी मौका देखकर उसको अपना नंबर दे दीजिए। मान लीजिए आपकी क्लास की लड़की है जिसको आप पसंद करने लगे हैं, तो आप उसको अपना नंबर दे दीजिए और कह दीजिए कि यार मुझे थोड़ी हेल्प कर देना, मुझे पढ़ता हूँ ना, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ जब भी आपको टाइम मिले मुझे ये वाला सम समझा देना। तो इस ये काम कहकर आप उसको अपना नंबर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आप अपना नंबर दे दीजिए। अब सामने से क्या होगा, वो लड़की अगर इंटरेस्टेड होगी तो डेफिनेटली आपको सामने से कॉल करेगी, वो ज़रूर आपसे कहेगी कि हाँ यार आपने बोला था ना, क्या समझना है बताओ, मैं समझा देती हूँ। इस तरीके से वो आपसे बिहेव करेगी, मीन्स वो खुद भी इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में। आप दोनों के जहाँ नंबर एक्सचेंज हो गए, वहाँ फिर आप लोगों की बातचीत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कंडीशन ये है कि वो लड़की मुस्कुरा तो रही है लेकिन जैसे ही आपने बात की तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उसको अच्छा नहीं लगा आपका बात करना, आपने नंबर दिया तो उसने नंबर लेने से मना कर दिया, या उसको उसके चेहरे पर गुस्सा निकल आया, अगर इस तरीके का बिहेवियर है तो आप हट जाइए उस रिश्ते से, उस लड़की से बात करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपको देख रही थी वो किसी और रीज़न से देख रही थी, आपसे बात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं हो, इस वजह से वो आपको इतना रूडली बिहेव कर रही है आपके साथ। तो ये इस चीज़ का प्रूव है। सो अगर लड़की आपके साथ में अच्छे से बात करे तो आप धीरे धीरे अपनी बातचीत को बढ़ाएं, अगर लड़की आपको इग्नोर करे, बात करना पसंद ना करे, तो उसके पीछे ना पड़े। ये चीज़ें बहुत गंदी होती हैं जब एक लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसको परेशान करना शुरू कर देता है, इससे आपकी इज्जत उसकी नज़रों में गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो ये काम कभी ना करें। सो इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए जब कोई लड़की आपको देखकर मुस्कुराती है तो। इस तरीके से, इस प्रोसीजर से आप जान सकते हैं उसके मन में क्या है, अपनी दोस्ती बिल्डअप कर सकते हैं, जान पहचान बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।